This channel does not promote or encourage any illegal activities. All content provided by this channel is meant for educational purposes only. अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब आप एक बार इसको क्रिएट कर लोगे आरडीपी को तो कंटिन्यूसली आप 12 घंटे तक इसको यूज कर पाओगे। अब यहाँ पर आपको बहुत सारी लोकेशन देखने को मिल रही है कि आप अपना सर्वर किस लोकेशन पर क्रिएट करना चाहते हो। यहाँ पर आपको यूएस का भी मिल जाता ऑप्शन, यूरोप का भी मिलता है। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो मुझे जो सिटी मिली है वो भी सिंगापुर है, रीजन भी सिंगापुर है और कंट्री भी जो है वो भी सिंगापुर की ही मिली है। ऑलराइट, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो तकरीबन 500 MB का इंटरनेट देखने को मिल रहा है। अच्छा, मैंने थोड़ी देर पहले चेक किया तो मुझे यहाँ पर 1.1 GB की स्टोरेज स्पीड मिल रही थी इंटरनेट की। और जैसे ही कनेक्टिंग कंप्लीट होगी तो आपके सामने यही वाला इंटरफेस होगा, मतलब कि आपकी जो आरडीपी है वो बैकएंड पर चलती रहेगी, वो यहाँ पर बंद नहीं होगी और ये लगातार आप 12 घंटे तक यूज कर पाओगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में जो मैं आपको फ्री आरडीपी क्रिएट करना सिखाऊंगा उस आरडीपी को एक बार क्रिएट करने पर लगातार आप 12 घंटे तक कंटिन्यूसली यूज कर पाओगे। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, एक बार क्रिएट करने पर लगातार आप 12 घंटे तक उसको यूज कर पाओगे। इवन आप अगर ब्राउजर बंद भी कर दो जहाँ पर आपने आरडीपी क्रिएट की होगी, फिर भी आप उसको बाद में ओपन करके अपनी आरडीपी को वहीं से ही कंटिन्यू कर पाओगे। उसके अलावा इस फ्री आरडीपी को बनाने के लिए ना तो आपको क्रेडिट कार्ड की जरूरत होगी और ना ही किसी डेबिट कार्ड की। इंटरनेट स्पीड आपको इंतहाई फास्ट मिलेगी और जो लोकेशन मिलेगी वो भी आपको किसी प्रीमियम कंट्री की ही मिलने वाली है। अगर आप लोग इस तरह की फ्री आरडीपी बनाना चाहते हो तो आपने बस आज की वीडियो आखिर तक लाजमी से देख लेनी है। अगर आप लोगों को इस तरह का कंटेंट देखना पसंद है तो आप हमारे पैसे कमाओ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत ही कमाल का कंटेंट देखने को मिलता है। अगर आप लोग विंडो 11 की फ्री आरडीपी बनाना चाहते हो वो भी गिटहब के साथ तो आप हमारी ये वाली वीडियो जाकर देख सकते हो, इसमें आपको फुल एडमिन एक्सेस मिलती है। उसके अलावा आप इसके अंदर विंडो 11 हासिल कर सकते हो। और अगर आज की वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिलता है तो आपने आज की हमारी इस वीडियो को जरूर लाइक करना है और एक अच्छा सा कमेंट करना है जब आप फ्री आरडीपी सक्सेसफुली बना लें, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आपने शेयर भी करना है। अब टाइम नहीं वेस्ट करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर मैं आपको ये वाला नोटपैड प्रोवाइड कर दूंगा, आपने वहां से जाकर इसको डाउनलोड कर लेना है। जैसे आप इसको डाउनलोड कर लो उसके बाद आपने अपना कोई सा ब्राउजर ओपन करना है। ब्राउजर में आपका जीमेल का अकाउंट लॉगिन होना चाहिए। उसके बाद आपने क्या करना है, नोटपैड को ओपन करना है और यहाँ पर आपको फर्स्ट लाइन प्रोवाइड की गई है, आपने सिंपल इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है फुल को। यहाँ से इसको आपने कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद अपने ब्राउजर में लाकर आपने इसको सिंपल पेस्ट एंड गो कर देना है। ठीक है, कुछ इस तरह का आपको गूगल क्लाउड शेल का प्लेटफॉर्म देखने को मिलेगा। यहाँ पर ही आपसे कुछ अलाउ करवाएगा जब आप फर्स्ट टाइम इसको ओपन करोगे लाइक दिस। आपने सिंपल इसको ऑथराइज कर लेना है और यहाँ पर ही आपके अकाउंट को यहाँ पर डिटेक्ट करेगा और ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का टर्मिनल ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपका जो जीमेल अकाउंट है वो डिटेक्ट हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, आपने सिंपल नोटपैड पर आना अगेन और यहाँ पर ये जो सेकंड लाइन है आपने इसको कॉपी करना है। ठीक है, यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद आपने सिंपल यहाँ पर लाकर उसको पेस्ट करना है और अपने कीबोर्ड पर एंटर पर क्लिक कर देना है। ठीक है, विद इन फ्यू सेकंड आपने वेट करना और यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर वो कह रहा है पेस्ट एनजीरोक ऑथ टोकन। ठीक है, आपने क्या करना है, नोटपैड अपने क्या कहते हैं न्यू टैब ओपन करना है। न्यू टैब ओपन करने के बाद आपने गूगल में जाना है और यहाँ पर जाकर अपने एनजीरोक आपने सर्च कर लेना है। ठीक है, ये मुझे मिल चुका है, सिंपल यहाँ पर मैं इसको सर्च कर लूंगा और ये आपको फर्स्ट वेबसाइट देखने को मिल जाएगी ngrock.com की। आपने सिंपल इस पर क्लिक करना है और अगर आपने यहाँ पर अकाउंट नहीं बनाया हुआ तो आपने सिंपल साइन अप कर लेना है, आपका ईमेल पर इजीली आपका अकाउंट यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। मेरा ऑलरेडी अकाउंट है तो मैं यहाँ पर लॉगिन कर लूंगा। ठीक है, जैसे आप इसको साइन अप या लॉगिन करोगे कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब आपने यहाँ साइड पर आकर देखो नजर आ रहा है योर ऑथ टोकन, आपने सिंपल इस पर क्लिक करना है और यहाँ से इस पूरे कोड को आपने कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने टर्मिनल में आना है और यहाँ लाकर उस कोड को आपने पेस्ट करना है और सिंपल आपने एंटर पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको बहुत सारी लोकेशन देखने को मिल रही है कि आप अपना सर्वर किस लोकेशन पर क्रिएट करना चाहते हो। यहाँ पर आपको यूएस का भी मिल जाता है ऑप्शन, यूरोप का भी मिलता है, एशिया पैसिफिक का भी मिलता है यानी कि सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया का मिलता है, साउथ अमेरिका, जापान और इंडिया। अब आपको टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं बता देता हूँ, आप यहाँ पर कुछ भी लिखोगे ना तो आपको जो लोकेशन मिलेगी वो मिलती है सिंगापुर की ज्यादातर। मैंने तो जितनी बार क्रिएट की है ये आरडीपी मुझे तो भाई सिंगापुर की मिली है। फॉर एग्जाम्पल आप अगर इंडिया की बनाना चाहते हो तो आपने क्या करना है, यहाँ पर अपने कीबोर्ड
कीबोर्ड पर आई एन टाइप कर देना, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर एक कंट्री नेम है, उसके पहले यहाँ पर देखें उन्होंने टू वर्ड के शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर आई एन लिख देता हूँ, या ऐसा कर देता हूँ कि मैं यहाँ पर ईयू लिख देता हूँ, शायद मुझे कोई न्यू लोकेशन मिल जाए, ठीक है। ये ईयू मैंने लिखा है और सिंपल मैं एंटर पर क्लिक करूंगा, ठीक है। जैसे मैं एंटर पर क्लिक करूंगा यहाँ पर आपका जो सर्वर है वो क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए आपके सामने यहाँ पर फाइल जो है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुकी है। अब चंद सेकंड हमने यहाँ पर वेट करना है। इतना आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर दो, और अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला है तो इस वीडियो को अपने ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। अगर आप विंडो 11 की फ्री आरडीपी बनाना चाहते हो तो आप हमारे चैनल पर जाकर इससे पहली वाली वीडियो देख सकते हो, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। अब चंद सेकंड वेट करते हैं, उसके बाद आपको मिलता हूँ। ऑलराइट, यहाँ पर हमारी जो आरडीपी है, जो हमारा सर्वर है, वो क्रिएट हो चुका है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब आप एक बार इसको क्रिएट कर लोगे आरडीपी को, तो कंटिन्यूसली आप 12 घंटे तक इसको यूज कर पाओगे। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ नजर आ रहा है रनिंग, और उसके आगे कुछ काउंटडाउन चल रहा है, यानी कि ये सेकंड्स काउंटडाउन हो रहे हैं। अब ये आरडीपी टोटल इतने सेकंड तक चलेगी, 43,200 सेकंड तक। अगर मैं गूगल में जाता हूँ, मैं आपको चेक करवाता हूँ, गूगल में जाकर सिंपल मैं ये देखें 43,200 सेकंड इनटू आवर्स, देखिए यहाँ पर ये सेकंड है, और अगर हम इसको घंटों में कन्वर्ट करें तो ये 12 घंटे बनते हैं। तो 12 घंटे तक आप लगातार इस फ्री आरडीपी को इजीली अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में इजीली यूज कर सकते हो। यहाँ से मैं इसको बंद कर देता हूँ। अब आपने इसको लॉगिन कैसे करना है, लॉगिन करने से पहले आपने सिंपल गूगल में जाना है। गूगल में जाकर आपने नो मशीन नाम का एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है। लाइक मैं आपको दिखाता हूँ, गूगल में चलते हैं सबसे पहले, और यहाँ पर हम नो मशीन लिखेंगे। यहाँ पर ये आ चुका है, सिंपल मैं इसको सर्च करूंगा, नाम इसका नो मशीन है, और ये फर्स्ट वेबसाइट आपको देखने को मिल जाएगी nomachine.com। सिंपल आपने इस पर फर्स्ट वेबसाइट को ओपन कर लेना, इस पर क्लिक करके, और यहाँ पर आपने इसको डाउनलोड नाउ पर क्लिक करके सिंपल इसके सेटअप को आपने डाउनलोड कर लेना। तकरीबन 77 MB का ये सेटअप होता है, इजिली आपका विद इन सेकंड के अंदर यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ, मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ इस तरह का आपको ये सेटअप देखने को मिलेगा। सिंपल आपने क्या करना है, डबल क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर लेना, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, कोई भी इशू पर आपको फेस करना नहीं पड़ेगा। सिंपल आपने डबल क्लिक करना और इसको इंस्टॉल कर लेना है डिफॉल्ट लोकेशन पर ही। जैसे आप इसको डाउनलोड कर लोगे, कुछ इस तरह का आपको आइकन देखने को मिलेगा इस सॉफ्टवेयर का। आपने क्या करना है, सिंपल इस पर डबल क्लिक करके इसको ओपन करना है। जब आप फर्स्ट टाइम ओपन करोगे तो आपने यहाँ पर इसको चेक करते रहना, और आपने सिंपल ओके ओके पर क्लिक करते रहना, ठीक है। जब आप ओके ओके करते रहोगे, कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। और यहाँ से मैं आ जाता हूँ अपने टर्मिनल में, और यहाँ से इसको ओपन कर लेता हूँ। अब आरडीपी को कैसे लॉगिन करना है, आपने यहाँ पर देखें आपको ऐड का ऑप्शन मिल रहा है, आपने सिंपल इस पर एक बार क्लिक करना है, और आपने ऐड कनेक्शन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपका होस्ट नेम आएगा, होस्ट नेम मतलब आपका जो आईपी एड्रेस है वो यहाँ पर आएगा। आईपी एड्रेस आपको कहाँ मिलेगा, वो मिलेगा आपको यहाँ पर आपके टर्मिनल में, ये आपका आईपी एड्रेस है, ठीक है। ये पूरा आपने सिंपल यहाँ से इसको कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद आपने इस सॉफ्टवेयर में आना है, और यहाँ पर लाकर उसको पेस्ट कर देना है। अब आपने क्या करना है, ये जो लास्ट के वर्ड है ना, आपने इनको यहाँ से कट कर लेना है, ठीक है। ये देखें जो गिनती के वर्ड थे, आपने इसको कट कर देना है, और ये जो लास्ट वाला कोई स्पेशल क्रिएट है करेक्टर है सॉरी, इसको आपने कट कर देना है। बस यहाँ पर होस्ट नेम में आपका जो .io तक होना चाहिए, ठीक है। और जो आपने यहाँ से अभी नंबर कॉपी किए थे कट करके, वो आपने पोर्ट में लाकर पेस्ट कर देने हैं, लाइक दिस। अगर आपके यहाँ से कॉपी ना हो तो आप यहाँ से भी इसको कॉपी कर सकते हो, ये जो लिखा हुआ नजर आ रहा है 11915, यहाँ से आपने कॉपी करना और यहाँ लाकर इसको पेस्ट कर देना है। और यहाँ पर आपने नेम दे देना, कुछ भी नेम दे दे, रैंडम भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पर मैं सिंपल आरडीपी लिख देता हूँ, RDP1, ठीक है। उसके बाद आपने सिंपल ऐड पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो हमारा जो कनेक्शन है वो यहाँ पर आ चुका है सर्वर का। अब इसको लॉगिन करने के लिए सिंपल आपने इस पर डबल क्लिक करना है, कुछ यहाँ पर आपके सामने कनेक्टिंग करेगा, उसके बाद आपने सिंपल इसको ओके पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपने अपना यूजर नेम और पासवर्ड देना है, वो आपको कहाँ मिलेगा, वो मिलेगा आपको टर्मिनल में, ये आपका यूजर नेम है और नीचे इसके है पासवर्ड, ठीक है। अब यूजर नेम आपका यही रहेगा, यूजर आपने सिंपल यहाँ से इसको कॉपी कर लेना है, कॉपी करने के बाद यहाँ पर लाकर आपने सिंपल पेस्ट कर देना है, और नीचे पासवर्ड। अच्छा, यूजर नेम और पासवर्ड जो है वो सेम ही रहता है सबका, तो यूजर होगा आपका यूजर नेम और 123456 ये आपका होगा पासवर्ड, तो आप यहाँ पर टाइप भी कर सकते हो, ठीक हो गया। यहाँ पर मैंने पासवर्ड टाइप कर लिया, उसके बाद यहाँ पर मैं इसको सेव कर दूंगा, और सिंपल हम ओके पर क्लिक करेंगे और अपनी आरडीपी को यहाँ पर कनेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर यस करेंगे तो यहाँ पर आपसे कुछ ओके ओके करवाएगा, तो आपने करते रहना, कोई भी प्रॉब्लम आपको यहाँ पर नहीं आएगी, ठीक है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी ओके करेंगे, हम ओके पर क्लिक करेंगे, अगेन ओके पर क्लिक करेंगे, और हमारी यहाँ पर जो आरडीपी है वो सक्सेसफुली क्रिएट होके हमारे सामने ओपन हो चुकी है। अब देखें यहाँ पर इसका जो डिस्प्ले है वो बहुत ज्यादा जूम है, तो पहले तो हमें इसकी कुछ सेटिंग करनी है। तो डिस्प्ले की सेटिंग के लिए आपने क्या
क्या करना है, आपने ये लास्ट वाले विंडो के ऑप्शन पर आना है और यहाँ पर आकर आपने क्लिक करके सिंपल आपने डिस्प्ले में आ जाना है। ठीक है, जैसे आप डिस्प्ले में आओगे तो यहाँ पर आपको रेजोल्यूशन देखने को मिलेगी। सिंपल आपने इस पर क्लिक करना है और आपने यहाँ पर नीचे एरो पर आकर पॉज कर लेना है अपने आपको। ठीक है, और यहाँ पर आप अपने मॉनिटर के हिसाब से अपनी जो रेजोल्यूशन है उसको सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर अपना ये 1920x1080p रख लेता हूँ क्योंकि मेरा मॉनिटर इसको सपोर्ट करता है। उसके बाद सिंपल मैं अप्लाई पर क्लिक कर दूंगा। अब देखें हमारी जो रेजोल्यूशन है वो यहाँ पर चेंज हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, कीप दिस कॉन्फ़िगरेशन पर क्लिक कर देंगे। हमारा जो डिस्प्ले सेटिंग है वो यहाँ पर हो चुकी है। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, फाइल सिस्टम में जाता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो आपको तकरीबन 100GB की स्टोरेज मिली है और जिसमें से 93.6GB आपके पास अवेलेबल है। आप इसके अंदर अपना कोई भी डाटा स्टोर कर सकते हो। यहाँ से मैं इसको बंद कर देता हूँ। अब इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए आपके पास यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट का ही ब्राउजर देखने को मिलता है, उसके अलावा यहाँ पर कोई और ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो आपने सिंपल इस पर क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है और यहाँ से आपने इसकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसको सिंपल एक्सेप्ट करके यहाँ पर अपने ब्राउजर को रेडी टू यूज कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ और यहाँ से सिंपल हम क्या करेंगे, इसको कट कर देंगे बल्कि, ताकि हमें मजीद यहाँ पर खज्जल खुआरी ना करनी पड़े। और यहाँ से सिंपल हम न्यू टैब ओपन कर लेते हैं और पिछले वाले को हम बंद कर देंगे। अब सिंपल हम गूगल में जाकर सर्च कर लेते हैं माई आईपी एड्रेस लोकेशन। ठीक है, यहाँ पर मैंने सर्च कर लिया और सिंपल मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। अब याद रहे मैंने जब RDP बनाई थी तो मैंने वहाँ पर EU टाइप किया था, मतलब कि यूरोप की कोई मैंने सर्वर क्रिएट करने की कोशिश की थी। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको न्यू टैब में ओपन करता हूँ और देखता हूँ कि हमें कौन सी लोकेशन मिली है इस फ्री RDP में। तो सिंपल यहाँ पर जाकर चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि आप कोई भी सर्वर रखो आपको यहाँ पर सिंगापुर की ही लोकेशन मिलती है। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो मुझे जो सिटी मिली है वो भी सिंगापुर है, रीजन भी सिंगापुर है और कंट्री जो है वो भी सिंगापुर की ही मिली है। अब सिंपल हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको बंद कर देते हैं और इंटरनेट की स्पीड आपको चेक करवाता हूँ, उसके बाद हम इस वीडियो को एंड करेंगे। तो सिंपल गूगल में जाकर मैं सर्च कर लेता हूँ फास्ट। ठीक है, यहाँ पर मैंने फास्ट सर्च कर लिया है और ये फास्ट वेबसाइट ही ओपन कर लेता हूँ, fast.com वाली। ऑलराइट, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो तकरीबन 500MB का इंटरनेट देखने को मिल रहा है। अच्छा, मैंने थोड़ी देर पहले चेक किया तो मुझे यहाँ पर 1.1GB की स्पीड मिल रही थी इंटरनेट की। तो ये आपके यूज के हिसाब से ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन जितना भी आप इसके अंदर काम करना चाहो वो इजिली हो सकता है क्योंकि ये इस टाइम भी बहुत ही ज्यादा हाई स्पीड है। तो यहाँ से मैं इसको बंद कर देता हूँ ब्राउजर को और यहाँ से हम अपने इस सॉफ्टवेयर को भी बंद कर देते हैं। ठीक है, अब देखें जब तक आपकी ये वाली कमांड चल रही है ना, ये सेकंड चल रहे हैं आपके, तब तक आपकी जो RDP है वो यहाँ पर लॉगिन होने के लिए रेडी रहेगी। जैसे ही आपके यहाँ पर ये सेकंड खत्म हो जाएंगे तो आपकी जो RDP है वो भी यहाँ पर बंद हो जाएगी। अब मैं आपको यहाँ पर देखें, मैं चेक करवाता हूँ। अब जैसे कि ये वाली हमारी RDP थी, ये कनेक्शन था हमारा, इस पर मैं राइट क्लिक करता हूँ और इसकी कनेक्शन इन्फो में आते हैं। अब देखें यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा 2 कोर का CPU मिला था आपको इस फ्री RDP में, उसके अलावा 8GB की यहाँ पर आपको RAM देखने को मिली थी। तो ये थी इस RDP की टोटल कॉन्फ़िगरेशन और यहाँ से मैं इसको बंद कर देता हूँ। अब फॉर एग्जांपल आपसे ये वाला जो टैब है ये वाला भी बंद हो जाता है, मैं यहाँ पर इसको बंद कर देता हूँ। ठीक है, और आपसे ये बल्कि ब्राउजर ही बंद हो जाता है, मैं इसे बंद कर देता हूँ इसको। और आपने थोड़ी देर के बाद आकर इसको अगेन ओपन किया, आपने अब क्या करना है, सिंपल ये फर्स्ट वाली जो लाइन है इसको आपने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पर लाकर अगेन इसको पेस्ट करके गो पर क्लिक करना है और यहाँ पर देखें ये यहाँ पर कनेक्टिंग होगी सबसे पहले। तो और जैसे ही कनेक्टिंग कंप्लीट होगी तो आपके सामने यही वाला इंटरफेस होगा, मतलब कि आपकी जो RDP है वो बैकएंड पर चलती रहेगी, वो यहाँ पर बंद नहीं होगी और ये लगातार आप 12 घंटे तक यूज कर पाओगे। उसके बाद अगले दिन आप आकर सेम प्रोसेस करके अगेन इसको यहाँ पर क्रिएट कर पाओगे। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो से काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। कुछ भी सीखने को मिला है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करो। अगर आप विंडो 11 की फ्री RDP बनाना चाहते हो तो आप हमारी पहली वीडियो जाकर देख सकते हो, उसमें आपको विंडोज फ्री RDP देखने को मिली थी। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में न्यू मेथड के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।